हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइस, मेरे को दो तीन दिन हो गए, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, व्लॉग नहीं बना पा रहा था बड़े, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो मैं दो तीन दिन से साइट पर भी नहीं गया था, थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी, पर दो तीन दिन हो गए, मैंने सोचा व्लॉग तो बनाने चाहिए, व्लॉग तो नहीं छोड़ सकते। तो बस अब मैंने थोड़ा सा नाश्ता करा है और अब मैं साइट पर जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ साइट पर क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या काम हुए हैं, मैं क्या क्या और होंगे आगे, तो चलते हैं। मैंने भी दो तीन दिन तो साइट पे नहीं देखा क्या काम हो गए, अब सीधा चलते हैं साइट पे और वहीं चल के देखेंगे क्या क्या हुआ है, क्या क्या अभी बाकी है। इस हम आ गए हैं साइट पे, आप देख सकते हो दोनों प्लॉट की बाउंड्री हो चुकी है और बीच में पाए भी खड़े हो गए हैं सपोर्ट के लिए। बस इनमें अब दो तीन दिन में इसमें मिट्टी भरी जाएगी। अभी इसलिए मिट्टी इसलिए नहीं भरी थी क्योंकि इनकी दीवार अभी हुई थी दो तीन दिन पहले, तो थोड़ी ताज़ी रहती है जिससे वो फैले ना, तो इसलिए करके दो तीन दिन का इसमें गैप लेते हैं। तो वो ले लिया अब तीन दिन, तो एक दो दिन में और इसकी मिट्टी भर देंगे, फिर आगे ऊपर का काम स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हो बाउंड्री पूरी हो चुकी है इनकी चिनाई की। अब आपको दिखाते हैं जहाँ टाइल लग रही थी, टाइल कहाँ तक पहुँची है, तो वो भी दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो फ्रंट की टाइल लगनी स्टार्ट हो गई है, टाइल वैसी है बस पहले, यानी टाइल के कलर वही है पर टाइल थोड़ा सा चेंज है, वो थोड़ी सी रफ में थी, ये थोड़ी प्लेन है। देख सकते हो आप फ्रंट की टाइल, ब्लैक टाइल वही है। आओ अब अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, अंदर पीओपी का वर्क भी स्टार्ट हो गया है, पुट्टी भी खींचनी स्टार्ट हो गई है, पुट्टी खींच चुकी है, टाइल का बेस लग रहा है ऊपर, बेस लगने और ये इधर टाइल का जाल बन चुका है, यानी टाइल कह रहा हूँ सॉरी, पीओपी का जाल भी बन चुका है। अब यहाँ पर बेस चल के यहाँ बनेगा, पुट्टी वगैरह रूम्स में हो चुकी है सारे में, ऊपर भी बस बाथरूम की टाइल बाकी है, होने लगी है। ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर क्या क्या हुआ है। यहाँ की टाइल तो काफ़ी दिन पहले लग गई थी, आपने देख ही ली थी, रूम्स वगैरह में भी लग गई है, यहाँ भी पुट्टी खिंच चुकी है, जो कलर का बेस डालने के लिए पहले पुट्टी डालते हैं तो वो भी खिंच चुकी हैं, टाइल भी पूरी कंप्लीट है। बस यहाँ भी ये बैक साइड की टाइल और आगे वाले बाथरूम की टाइल बाकी है, बाकी सारा हो चुका है टाइल वर्क ऊपर भी। तो जहाँ तक ये फ्रंट लगने के बाद ये एक दो दिन में ही कम्प्लीट हो जाएगा, फ्रंट ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन आज और कल का दिन और लगेगा तो फ्रंट भी रेडी हो जाएगा। सो गाइस हम साइड से निकल लिए हैं, मैं घर जा रहा हूँ वापस ही, मुझे निक्की चिंकी और वायु को लेके डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्योंकि वायु का को दिखा के आना है डॉक्टर का, उसका कोई रेगुलर चेकअप है, तो इसलिए उसे लेके जाऊँगा वायु को। दूसरा मेरी भी तबीयत ख़राब है, अभी ठीक नहीं हुई है, तो थोड़ा सा मैं भी अभी एनर्जी में फील नहीं कर रहा, थोड़ा सा मेरे को भी थकावट सी हो रही है, लो सा फील हो रहा है, तो मैंने सोचा ज़्यादा देर यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है, धूप वैसे हो रही थी, गर्मी भी लग रही थी, सिर में भी दर्द हो गया था मेरे वहाँ थोड़ी देर में, तो मैं बस वापस चल दिया हूँ वहाँ से। अब रास्ते में एक बार मुझे फ़ोन का बिल जमा करना है, वो जमा करके फटाफट फिर घर जाते हैं, घर से उन्हें लेके एक बार मेरठ दिखा के ला के वापस आके मैं लेटूँगा, तो मेरे में इतनी एनर्जी और हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं ज़्यादा देर बैठूँ, मेरा खुद ही अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और वीकनेस ही हो रही है, यानी कि और कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी वीकनेस ज़्यादा फील कर रहा हूँ। तो बस चलते हैं, पहुँचते हैं घर, फिर निकलते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो मैं आज सुबह ही आपको बता रहा था कि इसमें मिट्टी का भराव होना है, एक दो दिन बाद की सोच रहे थे पर हमें मिट्टी मिल गई, तो हमने आज से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। हमारी जे सी बी डंपर आ रहे हैं, वो सीधे सीधे इसमें अंदर डल रहे हैं, बाहर गिरते हैं फिर जे सी बी से अंदर कर देती है, एक में डल गया दूसरे के भी रह रहे हैं, तो और एक डेढ़ घंटे में भराव हो जाएगा, आप देख सकते हो मिट्टी भरने स्टार्ट हो गई। सो गाइस हम साइड से आए थे अभी, आके बस हमने हाथ मुँह ही धोए हैं, थोड़ा सा फेस गंदा हो रहा था, वहाँ धूप भी पड़ रही थी आज, तो बस अभी आके घर पहुँचे हैं, हाथ मुँह धोए हैं। सब मम्मी घूमने गई हुई है साइड, यानी कि घूमने जाती है शाम को, पापा भी साइड पे ही हैं, निक्की और बच्चे उधर हैं, वो वायु की वजह से उधर खेलते हैं, तो मैं इधर हूँ बस, अब उधर निक्की आ रही है थोड़ी देर में,
मैंने दोपहर भी कुछ नहीं खाया था, ऐसा बस बनाना खा लिया था और एप्पल खा लिया था। अब मुझे भूख लग रही है, तब मैं खाना खाऊंगा। तो उसको मैंने फ़ोन करके बुलाया है, देखते कितनी देर में आती है, तो तब मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो जल्दी से बस अब वेट कर रहे हैं, वो आए और खाना खाएँ। जब खाना खाएँगे उसके बाद मिलेंगे हम आपसे। सो गाइस, हमारा खाना आ चुका है, दाल, दही, सलाद, चावल, रोटी भी मैंने मंगाई है, अभी आ जाएगी, अभी खाऊंगा मैं। मेरे को बड़ी तेज़ भूख लग रही है, तो आज मैं थोड़ा बहुत खाऊंगा, क्योंकि मैंने दोपहर भी कुछ नहीं खाया था, सुबह भी मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया, बहुत हल्का। मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है अभी, यानी कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है, तो मैंने सोचा प्रॉपर खाना खा लूँ। फिर फटाफट खाना खाते हैं और फिर ब्लॉग का आगे देखेंगे। सो गाइस, हमारा डिनर विनर हो गया, खा लिया हमने, अब हम कर रहे हैं रेस्ट, क्योंकि हम थक गए हैं काफ़ी, क्योंकि मैंने वीकनेस तो आई, मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा सा पहले से तो बेटर है, हल्की सी वीकनेस है। तो करते हैं व्लॉग का एंड। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ओके गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।